सकत हमारे साथ कुरान के घर में मौजूद हैं। जीजों आप सबकी सलामती हो और आप सबको ईद के अंतिम किसी दिल की गहराइयों से मुबारक हो। खुदावंद हम सबों की तौफीक बख्शे कि हम खुदावंद की इबादत और उसकी कोशिश रूह और सच्चाई से करने वाले हों। जीजों हुकूमत पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक आज के दिन तमाम इबादतगाहों में इज्तम करने पर पाबंदी है और खुदावंद के लोग जो इस वक्त पूरी दुनिया में है वो इस वजह से परेशानी की हालत में है। तो हम ना सिर्फ इस वक्त में खुदावंद के हुजूर में दुआ करेंगे बल्कि हम खास तौर पर उन जिंदगियों को खुदावंद के हुजूर में लेकर आएंगे जो जिंदगियां इस वक्त परेशानी में है और खुदावंद से मिन्नत करेंगे कि खुदावंद अपना फजल और अपना रहम कसरत से तमाम जिंदगियों पर करे। मेरी खास है रकबीर साहब से मेहरबानी वसा में तशरीफ आए और इब्तदाई दुआ में हम सबकी रहनमाई करें, उसके बाद हम कलाम मुकद्दस की तिलावत भी सुनेंगे और एक और दुआ दूसरे अहले साहब हमारे लिए करेंगे। अहले साहब से खास है कि दुआ में हम सबकी रहनमाई करें। चुके हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं जिंदगी के लिए, आपकी बारगाह में मौजूद हैं कि खुदावंद खुदा आज आपने जिंदा होकर साबित किया कि आप जिंदा खुदा हैं। आपने इब्लीस को के सर को कुचल दिया, आपने फरमाया हम खुदावंद के कलाम की
उसका 28वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर के मुताबिक जी उठा है, आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था। और वो जल जाकर उसके शागिर्द और जल जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया, और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी, और देखो यीशु उनसे मिला और उसने कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उससे सजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा डरो नहीं, जाओ क्योंकि मेरे भाइयों को खबर दो ताकि गलील को जाएं, वहां मुझे देखेंगे। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो, आमीन। आए मेरे अजीजों, अपने सर एक दफ़ा फिर खुदावंद के हुज़ूर में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। मेरी दरख्वास्त है एल्डर शाहद यूनुस साहब से, बराए मेहरबानी वो सामने आए, और इसी तरह इस सारी इबादत के लिए और तमाम इन जिंदगियों के लिए जो खुदावंद के घर में मौजूद हैं, दुआ में हम सब की रहनुमाई करें। जिंदा बासमानी, हम तेरा शुक्र तेरे नाम की तारीफ और तमजीद करते हैं। तूने दुआ करने का मौका बख्शा, हम इस लायक तो नहीं, लेकिन तेरी मोहब्बत और शफकत का तकाजा है कि तू हम जैसे निकम्मे नकारों को बार बार मौके बख्शता है ताकि तेरे कदमों में आए, झुकें, दुआ करें और तेरे जलाली और बुजुर्ग नाम को सीधा करें, क्योंकि तू ही सीधे और सिताइश के लायक खुदा है। दुनिया में और कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके सामने हम सर झुकाएं। और बासमानी मैं दुआ करता हूँ आज के पाक और मुकद्दस दिन के लिए, जो बासमानी तूने कब्र पर फतह पाई और बासमानी तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और बासमानी हम दुआ करते हैं इस इबादत के लिए बासमानी, जो जगह ब जगह बासमानी छोटी छोटी बासमानी हिस्सों में इबादत हो रही है, तो बासमानी तू इनके दरमियान में हाजिर होकर बासमानी बरकतों से माला माल करना। और बासमानी मैं दुआ करता हूँ इस कोरोना जैसी लानती बीमारी के लिए, बासमानी इसको ख़त्म कर, इसको अपने पाक लहू से बासमानी धो डाल ताकि ये कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए और तेरे लोग तेरे घर में आने वाले बने और तेरे घर में आकर बरकतों से माला माल हो जाएं। और बासमानी मैं दुआ करता हूँ इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक तू हमारा हादी और रहनुमा बनना। और बासमानी मैं दुआ करता हूँ इबादत के बाद जो बासमानी घरों में हैं वो भी आएं और दुआ करें और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देने वाले बने। और बासमानी मैं तेरे खादम के लिए दुआ करता हूँ, तो अपने खादम को आग का शोला बनाकर इस्तेमाल करना, पाकरू से मसा करना ताकि जो कुछ भी तेरे पाक और मुकद्दस कलाम में से पड़े बायस बरकत हो और सुनने वालों में से कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाएँ और बच जाने वाली जिंदगियाँ बन जाएँ। और बासमानी मैं दुआ करता हूँ इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक तू हमारा हादी और रहनुमा बनना। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के जलाली बुजुर्ग और बड़े इज्जत वाले नाम के वसीला से मांग लेते हैं, आमीन, आमीन। मेरे अज़ीज़ो, इस वक्त हमारे लिए ये वक्त है कि हम खुदावंद की प्रस्तुति करें, खुदावंद की प्रस्तुति में, खुदावंद की तमजीद में अपनी आवाज़ों को बुलंद करेंगे और खुदावंद के हुज़ूर में
आएंगे। मेरी दरख्वास्त है नौजवानों से कि वो सामने तशरीफ लाएं ताकि हम खुदावंद की सिताइश में, खुदावंद की हम्द में आगे बढ़ सकें। गीत 181 रूकी खुशी गीत की किताब में से गाएंगे, जिंदा है अब और जिंदा रहेगा मेरा मुनजी प्यारा। जाओगे
उसको देखो उसको भाइयों से कहना माजरा सारा भाइयों से कहना माजरा सारा मेरा मुन्ना जी प्यारा मेरा मुन्ना जी प्यारा जिंदा है अब और जिंदा रहेगा जिंदा है अब और जिंदा रहेगा मेरा मुन्ना जी प्यारा खुशखबरी सुनाओ दुनिया को खुशखबरी सुनाओ जिंदा मसीह के पास ले आओ पास ले आओ जिंदा मसीह के पास ले आओ पास ले आओ अब है से आए काम अब है से आए काम हमारा मेरा मुन्ना जी प्यारा मेरा मुन्ना जी प्यारा जिंदा है अब और जिंदा रहेगा जिंदा है अब और जिंदा रहेगा मेरा मुन्ना जी प्यारा मेरा आई एम सब अपने सर एक दफा फिर अपने खुदाम के जोर में झुकाएं और दुआ करेंगे। मेरी दरख्वास्त है भाई काशिफ मसीह से कि वो इस दुआ में हमारी रहनुमाई करें। खुदाम यीशु मसीह के जी उठने के लिए और इस बड़ी खुशी की खबर के लिए जो एक गुनाहगार के लिए है कि उसका निजात दहिंदा अब जिंदा है और वो कब्र में नहीं बल्कि जिंदा आसमान पर है। इस अच्छी खबर के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी की दुआ में रहनुमाई करेंगे। जिंदा जलाली आसमानी बाप जमीन और आसमान को बनाने वाले खालिक और मालिक मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप तू जो नहायत ही रहीम खुदा है तू जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है नहायत शुक्रगुजार हैं इस दिन के लिए और गुजरे हुए तमाम आयाम के लिए जिसमें आपने हमारी बड़ी फास्त निगरबानी की। इस वक्त में ख़ास तौर पर शुक्रगुजार हूँ उस अजीम कुर्बानी के लिए जो आपने हमारे लिए की ऐ खुदाबाब जिसके बायस हम तेरे सामने बराह रास्त आ सके। ऐ खुदाबाब तुम नहाय शुक्रगुजार हूँ उस अजीम काम के लिए जो तूने बनी नो इंसान के लिए किया। ऐ खुदाबाब इसी तरह हाजिर जिंदगियों के लिए दुआ करता हूँ जितने सर तेरे सामने झुके हैं एक एक को तो नाम बनाम बरकत देना और प्यारे खुदावंद हमारा यहाँ इकट्ठा होना तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए हो और प्यारे खुदावंद हमारा प्रस्तुति करना और कलाम सुनना तेरी मर्जी के ऐन मुताबिक हो। प्यारे खुदावंद बात के शुरू से लेकर आखिर तक हमारा बड़ा हादी और रहनुमा होना सब दुआ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आमीन आमीन। खुदावंद की सिताइश में बढ़ते हुए हम ईद के आमद मसीह का रवायती गीत जो है वो मिलकर गाएंगे और मेरे ख्याल से जब इस गीत का जिक्र किया जाएगा तो ये गीत हम सबों का आता है गीत 278 हैलेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया कुल दुनिया दा निजात दहिंदा हो गया। ये गीत हम सबको आता है और हमने इस गीत को पहले भी गाया है हमने इसे सुन रखा है तो साल के बाद गाया जाता है लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सबों को जो हमारे साथ खुदाम के घर में एल्डर्स बान मौजूद हैं चर्ची कमेटी और इसी तरह वो सब जो लाइव मौजूद हैं मेरी उनसे भी दरख्वास्त है कि वो हमारे साथ मिलकर खुदाम की प्रस्तुति में इस खूबसूरत गीत को गाएं और इस बड़े निजात बख्श काम के लिए जो बनी ना इंसान के लिए हुआ उसके लिए खुदाम की शुक्रगुजारी करें और मेरी तो दरख्वास्त होगी कि जो चर्च में हैं आप अपने हाथों का इस्तेमाल करें और ज़ोरदार आवाज़ में खुदाम की प्रस्तुति में हमारे साथ शिरकत करें। हालेलुया बोलो
बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, कुल दुनिया दा निजात दईंदा हो गया, कुल दुनिया दा निजात दईंदा हो गया, पापा तो बचावण यीशु आया जग ते, पापा तो बचावण यीशु आया जग ते, आन के मिटाए उसने पाप सब दे, ते आन के मिटाए उसने पाप सब दे, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, कुल दुनिया दा निजात दईंदा हो गया, कुल दुनिया दा निजात दईंदा हो गया, कोड़े खाते ताज कंडे आंदा पालिया, कोड़े खाते ताज कंडे आंदा पालिया, ते सूली उते मरदे डाकू नू बचा लिया, ते सूली उते मरदे डाकू नू बचा लिया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, कुल दुनिया दा निजात दईंदा हो गया, कुल दुनिया दा निजात दईंदा हो गया, नेजा दादा ओ दी पसली विच वचेया, नेजा दादा ओ दी पसली विच वचेया, ते पाप धोवन वाला उस तू चश्मा वगेया, ते पाप धोवन वाला उस तू चश्मा वगेया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, कुल दुनिया दा निजात दईंदा हो गया, कुल दुनिया दा निजात दईंदा हो गया, जिंदा होया मौत ते कबर नू जीत के, जिंदा होया मौत ते कबर नू जीत के, ते चढ़ गया आसमान बैठा सज्जे हाथ ते, ते चढ़ गया आसमान बैठा सज्जे हाथ ते, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, कुल दुनिया दा निजात दईंदा हो गया, कुल दुनिया दा निजात दईंदा हो गया, जिंदा बोलो मोमनो मनाओ ईद नू, जय जय बोलो मोमनो मनाओ ईद नू, दिल विच रख लो मसीह दी दीद नू, ते दिल विच रख लो मसीह दी दीद नू, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, कुल दुनिया दा निजात दईंदा 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 हो गया। मैं चाहूंगा कि हम जोरदार नारा जो है खुदाम के नाम को जलाल देने के लिए, यीशु मसीह की जय कहने के लिए लगाएंगे, और मैं इसमें रहनुमाई करूंगा और आप मेरे पीछे उसके दोहराएंगे। बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम की जय, बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम की जय। मेरी दुखास है भाइयों से तशरीफ रखें। अभी हम खुदा के खादम अली जनाब बिशप अब्राहम डैनियल साहब उनके साथ रब्ता करेंगे। बिशप साहब इस वक्त मुल्क अमरीका में हैं और वो आप सबों के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हम सबों के लिए, इस मोहब्बत के लिए जो आप खुदावंद के घर से रखते हैं, वो दुआ में रहनुमाई करेंगे, और आप सबों के लिए जो खुदावंद के घर में मौजूद हैं और सुन रहे हैं, उन सबों के लिए वो दुआ भी करेंगे। सो मेरी ये दरख्वास्त है कि जब मोहतरम बिशप साहब हमारे साथ रबते में होंगे तो ज़रूर हम उनके साथ जब बात करेंगे तो उस वक्त में वो हमारे लिए दुआ भी करेंगे, और हम खुदावंद के खादम के
लिए भी दुआ गुए हैं, वो दूसरे मुल्क में है इस वक्त, तो मुल्क पाकिस्तान में नहीं बल्कि दूसरे मुल्क में है, तो हम उनके लिए दुआ गुए हैं कि खुदावन मुल्क अमरीका में उनकी हिफाजत करे। मैं बताना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस की वबा, जब ये वबा फैली तो उससे चंद दिन पहले ही मोहतरम बिशप साहब अपने ख़ानदान के हमरा वो मुल्क अमरीका में गए, और जब वहाँ पर पहुँचे तो उसके बाद बिल्कुल मुल्क जो है वो बंद हो गया, लॉकडाउन जो है उसकी सूरत हाल पैदा हो गई। लेकिन खुदावंद अपने बंदा को मुल्क अमरीका में भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी हम बिशप साहब से बात करेंगे। हेलो जी, बादशाह कैसे हैं आप? जी सर, हम बिल्कुल ठीक हैं बिशप साहब। ईद के आमते मसीह आपको हमारी कलीसिया की जानिब से, एल्डर समान की जानिब से और क्वायर की जानिब से आपको और आपके खानदान को मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया पादरी साहब, खुदावंद आपको और सारी कलीसिया को बड़ी बरकत दे, खास तौर पर आपके साथ एल्डर कबीर, एल्डर कैसर, एल्डर लियाकत, एल्डर पत्रस, अजीज मसीह, एल्डर शाहिद और एल्डर यकूब मसीह, और इसी तरह से आपके यहाँ पे जो मुआवन पासवान है पादरी इरफान साहब, उनको वायर के हमारे प्यारे बच्चे, मैं अभी लाइव देख रहा था उबेद को और काशिप को, और इसी तरह से सैरक को और शारून को देख रहा था, इन सबको मेरी तरफ से और जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं पूरी कलीसिया को मेरी तरफ से सारा और बेटे विलियम की जानिब से बहुत बहुत ईद क़यामतुल मसीह की मुबारक हो। बिशप साहब हमारी जानिब से भी, सब एल्डर्स पादरी समान क्वायर की जानिब से भी, आप सबों को जो मुल्क अमरीका में हमें देख रहे हैं और सब जितने भी हमें फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं, आप सबों को भी ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। जी खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आप सबको अपनी सलामती में रखे, और खुदावंद का शुक्र है खुदावंद ने आप सबों को इस बड़े बहरान में, जबकि पूरी दुनिया में तबलीस मौत की सूरत में दंदनाता फिर रहा, खुदावंद ने आप सब लोगों को महफूज रखा। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और खुदावंद ने चाहा तो जल्द जैसे ही फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होते हैं तो हम आपके साथ यहाँ पर मौजूद होंगे। जी खुदावंद का शुक्र है बिशप साहब, इस वक्त में हमारी ये ख्वाहिश है कि आप खुदावंद के खादिम होते हुए और कलीसिया के रहनुमा होते हुए ज़रूर तमाम जिंदगियों की जो यहाँ पर मौजूद हैं, अब से थोड़ी देर के बाद मुख्तलिफ जगहों पर खानीवाल में, स्टुंजाबाद में और इसी तरह हड़प्पा के दूसरे इलाके में जहाँ पर पादरी इरफान साहब हैं, साई हाल में और बैप्टिस्ट कलीसियाओं में इबादत का सिलसिला जब शुरू हो चुका है या हो रहा है, मैं चाहूँगा कि इस वक्त में आप हम सबों के लिए दुआ करें। जब हम इस मुल्क में ईद मना रहे हैं, और बिशप साहब मैं बताना चाहता हूँ कि हम बड़े टूटे हुए दिल के साथ इस वक्त खुदावंद के घर में मौजूद हैं, चर्च बिल्कुल खाली है और खुदावंद के लोग अपने घरों में हैं, लेकिन हम फिर भी खुदावंद के घर में मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप इस वक्त में ज़रूर हमारे लिए दुआ करें। जी पादरी साहब, यकीनन आपने सही कहा कि हमारे दिल आज इस ईद क़यामतुल मसीह के मौका पर पूरी दुनिया में बिलखसूस पाकिस्तान में मसीही जब खुदावंद के घर में नहीं जा सकते, अमेरिका में भी ऐसी ही सूरत हाल है, चर्चेस बंद हैं, हम दुख में हैं और हम इसके बायस परेशान भी हैं, लेकिन हम खुदावंद से दुआ करेंगे कि वो हम सब के लिए इस परेशानी और इस दुख के वक्त को कम करें और खुदावंद जल्द अपने घरों को अपने लोगों के लिए खोल दे, ताकि खुदावंद के लोग सेहत तंदुरुस्ती और जिंदगी की हालत में खुदावंद के घर में आ सके। आइए हम सब दुआ करते हैं। कादर आप, हम तेरा शुक्र करते हैं और तुझे सजदा करते आज के इस दिन के लिए, खुदावंद तेरी दिल नेम और बरकतों के लिए, खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे हमारे निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए, जिसके वसीला से तू ना सिर्फ हमारा खुदा बल्कि हम सबका आसमानी बाप भी है। जिंदगी तंदुरुस्ती और सलामती के लिए खुदावंद तूने हम सबों को जिंदों की जमीन पर रखा, हम तेरा शुक्र करते हैं, और आज इस बड़ी गवाही के लिए जो हम इस इबादत से पूरी दुनिया में लोगों के सामने दे रहे हैं कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा निजात दहिंदा है वो जिंदा है, हम किसी मुर्दा को किसी कब्र में पड़े हुए शख्स को नहीं बल्कि तुझ जिंदा खुदा और तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को अपना खुदावंद मानते और इकरार करते, जिसने बड़ी फतह के साथ ये कहा कि मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूं, मैं मर गया था और देख अब्दुल अबाद जिंदा रहूंगा
और मौत और आलम रवा की कुंजियां मेरे पास है। आए खुदावंद हम तेरे बेटे के लिए शुक्र करते हैं जो मौत और कब्र पर गालिब आया और उस पर ईमान रखने के वसीला से जो जिंदा उम्मीद हमारे पास है खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। आवाज आए खुदावंद इस कलीसिया के लिए, तेरे खादम पादरी आर्थर के लिए और इसी तरह से पास्टर इरफान के लिए और हड़प्पा की सारी कलीसिया के लिए, तमाम एल्डर साहबान के लिए, आए खुदावंद नौजवानों के लिए, क्वायर के लिए और आए खुदावंद प्रिंसिपल साहब के लिए, उनके स्टाफ के लिए और बच्चों के लिए, जितने वालदैन आए खुदावंद और जितने मसीही ईमानदार इस लाइव सर्विस के वसीला से तेरी आवाज को और इस पैगाम को, आज की इस इबादत को सुन रहे, इसको देख रहे और इसमें शामिल है, आए खुदावंद उस सबको बड़ी बरकत देना। आए खुदावंद तमाम बैप्टिस्ट चर्चेस के लिए, शाहीबाग और आए खुदावंद इसी तरह से सुलजाबाद में, हड़प्पा में और नब्बे चक में और खानेवाल में और आए खुदावंद उसके साथ साथ दीगर जगहों पर जहाँ जहाँ भी तेरे लोग इस इबादत में शरीक है, तू सबको बड़ी बरकत दे। आए खुदावंद तेरी खात्मा सारे डैनियल के साथ मिलकर आए खुदावंद तेरे इन खात्मों को और तेरे इन बेटे और बेटियों को दुआएं खैर देता और मिन्नत करता हूँ कि आए खुदावंद तू इनको सलामती बख्शे, हमारे बदले अजीज मुल्क पाकिस्तान पर रहम कर। और आए खुदावंद तेरे हजूर मिन्नत करते हैं हमारी फौज, हमारी तमाम इंतजामिया जो दिन और रात इंतजाम कर रही है, हमारी हुकूमत आए खुदावंद तू इसको सलामती बख्शे और आए खुदावंद जल्द हमारे मुल्क को, इस पूरी सरजमीन को खुदावंद इस इंफ्लुएंजा से और आए खुदावंद इस कोरोना वायरस से आजाद कर। आए खुदावंद इंसान बेबस है, हम बेबस हैं, हुकूमतें बेबस हैं, तू कादर मुतवे खुदा है, तेरे मुंह के कलाम से, तेरे मुंह की एक झिड़की से आए खुदावंद ये कोरोना हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए और आए खुदावंद तेरे लोग आजाद हो, तेरे नाम को जलाल मिले, हमारी दुआ को सुन और कबूल कर, ये दुआ मांगते हैं तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बहुत शुक्रिया बिशप साहब आपके इस वक्त के लिए। हम जानते हैं कि इस वक्त मुल्क अमरीका में बहुत रात है, बहुत रात का वक्त है, लेकिन आप हमारे लिए जाग रहे हैं और हमें देख रहे हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं और हम हमेशा आपको ये कहना चाहेंगे कि हम आपके लिए और आपके पूरे खानदान के लिए दुआ करें, आमीन। आप सबों को अमरीका में और यहाँ पर जो रहने वाले सुनने वाले आज इस इबादत में शामिल है, यहाँ पे पूरे 12 बज चुके हैं, आप सबों को हैप्पी ईस्टर। पाकिस्तान में रहने वाले तमाम अजीजों को यहाँ पर रात के पूरे 12 बज चुके हैं और ईद क़यामत मसीह का दिन शुरू हो चुका है सारा, आपको विलियम, आपको और हमारे जितने बहन भाई यहाँ पर अमरीका में मौजूद इस वक्त हमारे साथ हैं, हम सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और ये खुदाओं की खादमा सारा डैनियल भी आपको मुबारकबाद पेश करेंगे। हेलो जी भाई साहब जी, कैसे हैं आप और हैप्पी रेजरेक्शन डे, ईद-ए-क़यामत मसीह आपको मुबारक हो। हाँ जी, आपको भी हैप्पी रेजरेक्शन डे और खुदावंद आपके साथ हो। बहुत खूबसूरत इबादत अभी हम जब देख रहे थे और बिशप साहब ने अभी दुआ भी की है, खुदावंद से दुआ गो है आप सबके लिए और पूरी दुनिया के लिए कि खुदावंद ने जो फतह आज के दिन स्लीप पर और मौत पर जो फतह हासिल की है उसके वसीला से और उसके बहाए हुए खून के वसीला से ये जो वायरस है और ये जो अबतरी है और अब्लीस जो शेर बब्बर की तरह धाड़ता फिरता है कि किसको घाट खाए, तो खुदावंद इसको खत्म करे और हम जल्द अमन के साथ और पूरे जोश और जज्बा के साथ खुदावंद की इबादत गाहों में इकट्ठे शरीक हो सके और खुदावंद के नाम का शुक्रिया अदा कर सके, उसकी मुबारक कह सके। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। थैंक यू सो मच बिशप साहब, उनके मिसेज हमारे साथ मौजूद थे बिशप साहब, थैंक यू सो मच, खुदावंद आपके साथ हो और अभी आपने खुदावंद आपके साथ हो जी, आपने कलाम मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जी आप मुल्क अमरीका को भी जिस तरह से हम पाकिस्तान को पाकिस्तान के लिए दुआएं कर रहे हैं, अभी तक खुदावंद का शुक्र है कि मुकद्दसीन की दुआओं की वजह से, हालांकि पाकिस्तान में हम देखते हैं कि सहूलियात बहुत कम है, उसके बावजूद अभी तक मेरे ख्याल में जो डेथ रेट है वो 50-60-70 के करीब है पूरे पाकिस्तान में, लेकिन अमरीका में अब तक 15,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो वफात पा चुके हैं, वो जान बहक हो चुके हैं इस कोरोना वायरस की वजह से। अमरीका में जो इस कोरोना वायरस की तबाही है वो पाकिस्तान से शायद 150 गुना से भी ज्यादा है, तो खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद यहाँ पर भी अपने लोगों को महफूज रखे, रहम करे, इस वक्त पूरी दुनिया को दुआओं की जरूरत है। और सिर्फ मैं ये समझता हूँ कलाम मुकद्दस के मुताबिक जैसे बाइबल में लिखा हुआ है कि मखलूकात कमाल आरज़ू से खुदा के बेटों की राह देखती है, आए ईमानदारों
आए मसीही ईमानदारों, मसीही लोगों, कलीसिया के अराकीन पापी साहबान एल्डर साहबान सब दुआओं में उठ खड़े हो। मखलूकात आज कमाल आरजू से तुम्हारी राह देखती हैं कि किस तरह से तुम खुदावंद के कलाम के वसीला से और दुआओं के वसीला से उन्हें आजाद करोगी। आज तमाम ईमानदारों को दुआ में उठ खड़े होने की जरूरत है। फादर साहब खुदावंद आपको बरकत दे, इस कलीसिया को बरकत दे, एल्डर साहबान को बरकत दे, इन बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, बहनों और भाइयों तमाम लोगों को बड़ी बरकत दे। जितने व्यूअर्स देख रहे हैं सबको बड़ी बरकत, तंदुरुस्ती और उम्र की दराजी दे। खुदावंद आपके साथ। आमीन। बहुत शुक्रिया बिशप साहब। बिशप अब्राहम डैनियल साहब हमारे साथ मुल्क अमरीका से मौजूद थे, और हम बिशप साहब आपके लिए भी दुआ गो हैं कि खुदावंद आपको उस मुल्क में जहाँ पर ये वायरस बहुत ज़्यादा फैला है, खुदावंद उस मुल्क में आपको अपनी पनाह और अपनी हिफाजत में रखे और खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदावंद की प्रसिश में बढ़ते हुए जबूर 103 गाएंगे, और उसका दूजा हिस्सा दूजा वजन, रहमत नाल है भरिया होया पाक ही होवा साडा। और गुज़श्ता दिनों में हमने इस जबूर को गाया, और बड़ा ये जबूर जो है इसको पसंद किया गया जो लोग हमें लाइव सुन रहे और देख रहे थे। तो मेरी दरख्वास्त होगी ख्वाहिश है कि वो इस वक्त में भी जब जबूर गाते हैं तो बिल्कुल इसे तेज़ ना गाएं बल्कि बिल्कुल स्लो गाएं, ताकि सुनने वाले जो हैं वो इसको सुनने के वसीला से बरकत पाए। जबूर 103 और उसका दूजा हिस्सा दूजा वजन, रहमत नाल है भरिया होया पाक यहोवा साडा। हम सबको ये जबूर आता है, मेरी दरख्वास्त है कि हम इस जबूर को मिलकर खुदावंद की सिताइश में गाएं। रहमत नाल है भरिया होया पाक यहोवा साडा, 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 गुस्सत करन दे विच हो धीरा प्यार है उस दा डाडा, गुस्सत करन दे विच हो धीरा प्यारत उस दा डाडा, रहमत नाल है भरिया होया पाक यहोवा साडा, साडे उते भी रब साडा सदा नहीं जुझलावे, साडे उते भी रब साडा सदा नहीं आवे, ओड़त दी करने साडे उते अपना क्रोध बतावे, ओड़त दी करने साडे उते अपना क्रोध बतावे, रहमत नाल है भरिया होया पाक यहोवा साडा, जेई साडी है बुरियाई ते आस रूक न करदा, जेई साडी है बुरियाई ते आस रूक न करदा, साडे पापा वांगे सानू बदला नहीं ओ देंदा, साडे पापा वांगे सानू बदला नहीं ओ देंदा, रहमत नाल है भरिया होया पाक यहोवा साडा, जे
आसमान है सारा रब के दरन वाले आओ तेरे रहम है ओ दाबारा चढ़ते तो है लेता दूर है साडे पाप खुदा ने चुक के सारे सूटे दूर दवाड़े पाप खुदा ने चुक के सारे सूटे दूर दराड़े रहमत नाल है बरिया होया पाक आओ पिता है तांदा अपने डरन वाले आओ ते तेहारे अपने डरन वाले आओ ते तेहारम बगांदा रहमत नाल है भरिया होया पाक आओ आसाडा आप बनावट सारी क्योंकि जानदा है साड़ी आप बनावट सारी बने आने पीते असी के गल ना सारी बने साडा उम्र मुनख दे खादे वांग जंगली पल वांग फलता उम्र मुनख दे खादे वांग जंगली पल वांग फलता काजद वागे नास हो जांदा थांते मुड़ना लगदा वाजद वगे नसो जांदा थांते मुड़ना लगदा रहमत नाल है भरिया होया पाकिया हो वासाडा रहमत रब दी ओ नाउते जेरे कोफ मनावन रहमत रब दी ओ नाउते जेरे कोफ मनावन नालो ना दे सच सदा है नसला जेरिया आवन नसला जेड़ियां रहमत नाल है भरिया होया पाकिया हो वासाडा ओ नाऊ देवी जो ओ दे एद नू है याद कर दे ओ नाऊ जो दे हुक्माउते अपना दिल है धर दे जो दे हुक्माउते अपना दिल है धर दे रहमत नाल है भरिया होया
इस वक्त मेरे जीजो हम खुदावन के हजूर में अपने सर एक दफा फिर झुकाएंगे और दुआ की जाएगी। मेरी दरख्वास्त है एल्डर लियाकत मसी साहब से, बड़े मेहरबानी वो सामने तशरीफ लाएं और हाजिर तमाम जिंदगियों के लिए दुआ करें कि खुदावन इन्हें बरकत दे। और ख़ास तौर पर जब आज के दिन खुदावन का घर बहुत से लोगों के लिए बंद है, तो दुआ करें कि खुदावन जल्द ये वायरस ख़त्म करे और हम खुदावन के घर में आकर उसकी इबादत और उसकी प्रस्तुति कर सके, क्योंकि खुदावन हमारा खुदा हमारी दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है। हम दुआ मांगे, सब अपनी आंखें बंद करें और अपने दिलों में दुआ करें। प्यार से भरे खुदावन तेरा लाख लाख शुक्र गुजार हैं आज के वक्त के लिए खुदावन जो तूने हमें बख्श दिया। तेरा वादा है यहाँ एक या दो बैठ कर मेरा नाम लेंगे वह मैं हाजिर तो नाजर हूँ। आज खुदावन तू हमारी जमात में हाजिर है, तेरा लाख लाख शुक्र गुजार हूँ खुदावन ये पूरा साल तूने हमें जिंदा रखा और ज़मीन पर चलना सिखाया कि आज खुदावन अपने घर के लिए खुदावन ताकत हिकमत दनाई ताकि कि हम तेरे घर में आए और तेरे नाम की हमद तेरे नाम की तारीफ और तमजीद कर सकें कि तू तमजीद के लायक हमारा खुदा है। ऐ बाप तू हम सब पर अपना हाथ रख गहरा फजल दे। आज के दिन खुदावन तूने कब्र पर फतह पाकर खुदावन जिंदा हुआ और खुदावन तू एक ऐसी रूहानी हस्ती है कुछ जो कब्र में अपने अंदर भी ना रख सकी। ऐ खुदावन तू आज खुदावन जिंदा है और जिंदों की ज़मीन पर तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम की तारीफ और तमजीद करते हैं। तू अपने खादमों के साथ हो, आज यहाँ यहाँ भी तेरे नाम की आबादें हो रही हैं। तू खुदावन तू बड़ी बरकत दे। ऐ खुदावन खुदा मैं तेरे खादम बिशप साहब के लिए दुआ करता हूँ जो अमेरिका में है। खुदावन तू उनकी मदद की हिफाजत कर, उन्हें हर मुसीबत से हर वबा से खुदावन बचा कर अपनी पनाह में रख। वो जिस तरह खुदावन सलामती से यहाँ तक वो गया इसी तरह सलामती से यहाँ तक पहुँचे। तेरा लाख लाख शुक्र गुजार हूँ वो अपने खादमों के साथ हो, तंदुरुस्ती और सेहत बहा बख्श दे। ऐ खुदावन सारी वायरस को खुदावन तेरे यस्सु नाम से खुदावन दूर करना चाहते हैं कि खुदावन दूर हो जाए, तेरे लोग अमन से और चैन से इबादत कर सकें और तेरे घर खुदावन लोगों से भर जाएं। तो आज एक एक को बड़ी हिकमत दनाई अता कर दे। ऐ खुदावन जो अभी आने वाले लोग हैं खुदावन तेरे घर में उनकी तमाम रुकावट को सारी परेशानी को दूर कर, वो तेरे घर में आए और सलामती से खुदावन तेरी हमत और तेरे नाम की तारीफ और तमजीद करें। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने ही खुदावन यीशु मसीह के अजीम और जलाली बुजुर्ग नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। मेरी दरख्वास्त है भाई उबैद लियाकत से कि वो सामने आए, नीचे रख दें और खुदा उनकी सितायश में ईद के आमते मसीह का खूबसूरत गीत जो उन्होंने तैयार किया है वो हम सबों के लिए पेश करें और इस गीत के बाद दुआ की जाएगी, उसके बाद हम कलाम खुदा को सुनेंगे। मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी रिलक्शन डे और ये गीत जो मैं आपके सामने गा रहा हूँ गाने वाला हूँ ये मैंने रात को बैठ के इसकी शायरी बनाई है और खुदावन ने मुझे हिकमत बख्शी कि मैं इसको लिख सकूँ और इसको कंपोज भी किया है। अभी मैं आपके सामने ये गाऊँगा, उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा। जिंदा खुदा के लश्कर सारे, जिंदा खुदा के लश्कर सारे मिलकर गाते हैं आ। जिंदा खुदा के लश्कर सारे, जिंदा खुदा के लश्कर सारे मिलकर गाते हैं आ।
बादशाह यीशु जिंदा हुआ है, बादशाह यीशु जिंदा हुआ है, जश्न मनाते हैं यार, हालेलुया होशाना, हालेलुया होशाना, हालेलुया होशाना, हालेलुया होशाना। मौत का सीना चाक हुआ है, शैतान हुआ बर्बाद, मौत का सीना चाक हुआ है, शैतान हुआ बर्बाद, जीवन और उल्फत का हुआ है शहर नया आबाद, जीवन और उल्फत का हुआ है शहर नया आबाद, सब हाथों में फतहा के परचम, सब हाथों में फतहा के परचम, ऊंचे हुए हैं आज, हालेलुया होशाना, हालेलुया होशाना, हालेलुया होशाना, हालेलुया होशाना। अपने अपने जामे दो लो खून मसीहा से, अपने अपने जामे दो लो खून मसीहा से, हम हमेशा राज करेंगे साथ मसीहा के, हम हमेशा राज करेंगे साथ मसीहा के, दुश्मन पीछे हटता जाए, दुश्मन पीछे हटता जाए, हम आगे ही आगे बढ़े, हालेलुया होशाना, हालेलुया होशाना, हालेलुया होशाना, हालेलुया होशाना। नारे लगाओ नारे लगाओ, दुश्मन हुआ लरजा, नारे लगाओ नारे लगाओ, दुश्मन हुआ लरजा, बादशाह यीशु जिंदा हुआ है, दुश्मन हुआ हैरान, बादशाह यीशु जिंदा हुआ है, दुश्मन हुआ हैरान, जय जय यीशु, जय जय यीशु, होशाना होशाना, जय जय यीशु, जय जय यीशु, होशाना होशाना, जिंदा खुदा के लश्कर सारे मिलकर गाते हैं आ, बादशाह यीशु जिंदा हुआ है, मिलकर गाते हैं सारे, होशाना होशाना, हालेलुया होशाना, हालेलुया होशाना, हालेलुया होशाना। बहुत शुक्रिया भाई उबैद खूबसूरत गीत के लिए, खुदा आपको बरकत दे। और इस वक्त मेरी दरख्वास्त है कि हम सब अपने सर अपने खुदा के जोर में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। मेरी दरख्वास्त है एल्डर पत्रस साहब से कि इब्राहिम इरवानी वो इस दुआ में हम सब की रहनुमाई करें।
खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे, खुदावंद की आवाज पर हम गौर करेंगे। अल सब सामने तशरीफ ले जो सामने आप वादा है जहाँ दो या तीन सारा कुछ खुदा बाप तूने हमें दिया। खुदा बाप इन सारी जो तूने हमें बरकतें बख्शी हैं, इन बरकतों के लिए खुदा बाप आपके और आपके बेटे के और पाक रूह के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। आज की खुदा बाप कलाम के लिए, तेरे मुंह की बातों के लिए, अपने बंदा के साथ होना, सांस ले के पांव तक खुदा बाप तेरे बंदा को तेरे बेटे के लहू में डिप कर देते हैं। ऐ खुदा बाप अपने बंदा की बड़ी रहनुमाई करना। ऐ खुदा बाप इस सारे खुदा बाप एल्डर साहबान को, ऐ खुदा बाप कलीसिया को तेरी पाक हजूरी मिलाते हैं। सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल इनको अता करना, इन सब के साथ होना, बड़ी बरकत देना खुदा बाप हम सबको कोरोना वायरस के असर से। ऐ खुदा बाप हमारे मुल्क पाकिस्तान को बचा कर रखना। ऐ खुदा बाप हम इमरान खान के लिए दुआ करते हैं कि खुदा बाप उनके साथ होना, अकल दनाई उनको देना ताकि वो मुल्क का इंतज़ाम जो है अच्छे तरीके से करें, और खुदा बाप उनके साथ जो काम करने वाले हैं अफसर हैं खुदा बाप उनके साथ भी होना, उनको भी कोरोना वायरस के असर से बचा कर रखना और अकल दनाई उनको देना। हमारे मुल्क में से तेरे नाम को जलाल मिले खुदा बाप। ऐ खुदा बाप हमारे तमाम गिरजाघर जो हैं तेरे हवाले, हम अपने गिरजाघरों को खुदा बाप तेरी हिफाजत में तेरी पनाह में देते हैं। हम खुदा बाप संडे स्कूल के टीचरों से लेकर खुदा बाप जो बच्चे कलाम सीखते हैं उनसे लेकर बड़े से बड़े अहदेदार तक खुदा बाप जितने भी तेरे खादम हैं तेरे कलाम को फैलाते हैं उन सबको कोरोना वायरस के असर से बचाना, मुल्क इसराइल को भी बचाना खुदा बाप। इब्राहिम की नस्ल के लिए भी दुआ करते हैं, तेरे खादमों को खुदा बाप तेरी पनाह में देते हैं। ऐ खुदा बाप हम अपने बिशप साहब के लिए भी दुआ करते हैं जो खुदा बाप मुल्क अमेरिका में है, खुदा बाप उनके साथ होना, उनको भी कोरोना वायरस के असर से बचा रखना, उनकी ज़िंदगी से तेरे नाम को जलाल मिलता रहे। ऐ खुदा बाप आज का कलाम जो है ऐ खुदा बाप हमारी ज़िंदगी में ठहर जाए, बरकत वाला हो, हमारी ज़िंदगी में जड़ पकड़ने वाला हो। आज के कलाम के वसीला से हम बहुत सारी बरकत पाने वाले हों, मसीह यसु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। मेरे जीजो इससे पहले कि हम खुदावंद की इबादत में आगे बढ़ते हुए खुदावंद के कलाम को सुने, हमारे प्यारे भाई काशिफ वो खुदावंद के खादम के लिए इस वक्त में जब बहुत से लोग कलीसिया के लोग खुदावंद के घर में नहीं आ सके तो वो खुदावंद के खादम के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो ज़रूर सामने तशरीफ़ लाएँ। इस वक्त चर्च में हम चंद लोग मौजूद हैं, मेरी दरख्वास्त है कि हम भी थोड़ा सा खुले होकर बैठे ताकि अगर पुलिस आती है या कोई इंतज़ामिया में से आता है तो उसे ये मालूम हो कि हम इन बातों को जो बताई गई हैं हम इन बातों को फॉलो कर रहे हैं और इन बातों पर अमल भी कर रहे हैं। तो आज के दिन में मैं आप सबों को एक दफ़ा फिर अपनी जानिब से जो खुदावंद के बंदे एल्डर समान यहाँ पर मौजूद हैं उन्हें और इसी तरह जितने भी हमारे साथ फेसबुक लाइव पर मौजूद हैं उन सबों को अपनी जानिब से और जो एल्डर्स यहाँ पर हैं चर्च इंतज़ामिया यहाँ पर मौजूद है उन सब की जानिब से ईद क़यामत मसीह रेजुरेक्शन डे की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मेरे जीज़ों खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद ने हम पर ये फजल किया कि आज के दिन में हम उन चंद लोगों में से हैं जो खुदावंद के घर में हैं और जो हमारे साथ लाइव मौजूद हैं फेसबुक पर भी, वो लोग भी उन चंद में से हैं
जो इस वक्त उठकर कलाम सुन रहे, बहुत से लोग मैं बताना चाहता हूँ कि इस वक्त में जब इबादत लाइव हो रही है तो बहुत से लोग अपने घरों में सो रहे हैं, तो आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप जो जाग रहे हैं, आप जो जाग कर इस वक्त इबादत में शरीक हैं, खुदावंद आपको बरकत दे। आप वाकई इस बात का इजहार कर रहे हैं कि आप खुदा से प्यार करने वाले और खुदावंद के घर में आकर उसकी इबादत करने वाले लोग हैं, और आप घर पर भी हों तो खुदावंद का घर हमेशा ही आपके लिए अहमियत का हामिल रहता है। सुबह जो जुलूस है, जो हम मोमबत्तियां पकड़ कर निकालते हैं, वो नहीं किया गया क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से हर तरह की जो इज्तमात हैं उन पर पाबंदी आयद की गई थी, और हमने भी इस बात को ख्याल में रखा और हमने इस बात को सोचा कि हमें भी इस बात को फॉलो करना चाहिए। इस वक्त जितने भी हमारी कलीसिया से लाइव देख रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इस इबादत के बाद आपके लिए वक्त होगा कि आप चर्च में आएं, दो मिनट के लिए, तीन मिनट के लिए आएं और दुआ करके चले जाएं। चर्च के अंदर आने पर बिल्कुल पाबंदी है, लेकिन आपकी सहूलत के लिए, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि चर्च में हम आना चाहते हैं, उनके लिए ऐसा किया गया, लेकिन मेहरबानी से ग्रुप की सूरत में ना आएं बल्कि अकेले अकेले आएं, ताकि हम जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं हम महफूज रहे, खुदा के खादम जो चर्च कमेटी है वो हर तरह की परेशानी, दुख और तकलीफ से बची रहे। सुबह जब जुलूस नहीं निकाला गया, जो सुबह की इबादत होती है उसमें, तो खुदावंद के खादम कलीसिया के तमाम घरों में गए। चार से पाँच मिनट हम हर घर में रुके, हर घर में हम गए, और उसका नतीजा आप मेरे गले से लगा सकते हैं कि मेरा गला जो है इस वक्त घरों में जाने से, दुआएं करने से, गीत भी गाए हैं और इस सारे काम को करने से थोड़ा ख़राब है, गला थोड़ा बैठ गया है, लेकिन ख़राब नहीं है, कोई ख़राश नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ इसमें डरने की कोई बात नहीं, अगर मेरी आवाज़ ऐसी है तो उसकी वजह यह है कि सुबह घरों में जाने की वजह से ये गला जो है थोड़ा सा मुतासर है, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का कि खुदावंद हमेशा हमें अपने कलाम के लिए और अपने नाम की गवाही के लिए इस्तेमाल करता है, और आज भी खुदावंद ने ऐसा ही किया। खुदावंद के नाम को जलाल मिले, और मैं चाहूँगा कि इस वक्त हम खुदावंद के कलाम को अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए खोलें। वो बहन भाई कलीसिया से जो कॉल कर रहे हैं, कॉल पर आप बात नहीं कर सकेंगे, सिर्फ आपसे दरख्वास्त है कि आप इस वक्त में पैगाम को सुने, पैगाम के बाद जब इबादत ख़त्म हो जाएगी, लाइव इबादत, तो उसके बाद आप खुदा के खादम से मिल सकेंगे। पाकलाम में से मुकद्दस पालूस रसूल का करंथियों की कलीसिया के नाम का पहला खत, पहला करंथियों और उसका 15वां बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर उसकी 20वीं आयत के आखिर तक पाकलाम में से तिलावत की जाएगी। जितने भी अजीज हमारे साथ अपने घरों से मौजूद हैं, उनसे भी दरख्वास्त है कि खुदावंद के कलाम को मेरे साथ ज़रूर खोलिए। मोबाइल फ़ोन में अगर बाइबलों का दस मौजूद है तो एप्लीकेशन पर भी आप खोल सकते हैं, और अगर बाइबल मौजूद है तो बाइबल को खोलें। मुकद्दस पालूस रसूल का करंथियों के नाम का पहला खत और उसका 15वां बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर 20वीं आयत के आखिर तक तलावत की जाएगी। पाकलाम में लिखा है, बस जब मसीह की यह मुनादी की जाती है कि वो मुर्दों में से जी उठा, तो तुम में से बाज किस तरह कहते हैं कि मुर्दों की कयामत है ही नहीं? अगर मुर्दों की कयामत नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मुनादी भी बेफायदा है और तुम्हारा ईमान भी बेफायदा, बल्कि हम खुदा के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने खुदा की बाबत यह गवाही दी कि उसने मसीह को जला दिया। जला दिया का मतलब है जिंदा कर दिया, जला दिया हालांकि नहीं जलाया।
अगर बिलफर्ज मुर्दे नहीं जी उठते और अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है। तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो, बल्कि जो मसीह में सो गए हैं वो भी हलाक हुए। अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब हैं। लेकिन फिलवाके मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। खुदावंद के एक पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो, आमीन। मेरे जीजो, आज के इस वक्त में कलाम खुदा में से हम कयामत मसीह की चंद अहम सच्चाइयों पर गौर करेंगे। कयामत मसीह की चंद अहम सच्चाइयां, तमाम तो बयान नहीं हो सकती, लेकिन इस जगह पर होते हुए इख्तसार के साथ हम चंद एक पर ही गौर करेंगे, और इस हवाला के तनाजुर में हम इस बात को देखेंगे कि मसीह यसु का जी उठना ये क्या है, और क़यामत मसीह की सच्चाइयां, क़यामत मसीह की सच्चाई क्या है। मुकदस पौलुस रसूल जब इस खत को तहरीर करते हैं, क्रंथस की कलीसिया को लिखे गए पहले खत को तहरीर करते हैं, तो हमें इस खत को तहरीर करते हुए जब भी किसी को कुछ लिखा जाता है, मिसाल के तौर पर खत लिखा जाता है, पुराने वक्तों में राबते का एक बेहतरीन जरिया खत खतूत हुआ करते थे, तो जब लोग एक दूसरे को खतूत लिखते तो उसमें एक दूसरे का हाल अहवाल मालूम करने के बाद कोई गलती गुनाह कसूर हुआ होता तो वो उसकी भी माफी मांगते कि हम इतनी देर से मिल नहीं सके, हम एक दूसरे के पास नहीं आ सके। लेकिन मुकद्दस पौलुस जब इस खत को तहरीर करते हैं तो ये खत बिल्कुल भी, हरगिज भी ये खत उसकी जाती जिंदगी की पर मबनी नहीं, बल्कि ये खत जब एक कलीसिया को लिखा जाता है तो कलीसिया की तालीम, जो रूहानी तालीम है, उसकी खबरदारी के लिए इस खत को खुदावंद के बंदा ने तहरीर किया। ये कलीसिया जिस जगह पर रहती थी क्रंथस, वहां के रहने वाले इस बात पर यकीन रखते थे, और मुकद्दस पौलुस की खिदमत करने के बाद, जब वो इस जगह पर खिदमत करने के बाद आगे कलीसिया को कायम करने के लिए रवाना हुए, तो यहां पर एक बात जो है उसने सर उठाया, और वो ये थी कि मुर्दे जिंदा नहीं होते और ना होंगे। तो मुकद्दस पौलुस रसूल ये कहते हैं कि अगर मुर्दे जिंदा नहीं होते तो फिर मसीह भी जिंदा नहीं हुआ, और अगर मसीह जिंदा नहीं हुआ तो हमारी मुनादी, हमारा ईमान, हम जो उसके गवाह हैं, हम झूठे गवाह हैं, हमारा ईमान बेफायदा है, हमारी मुनादी बेफायदा है, और हम अभी भी गुनाहों में हैं, और हम जो ये कहते हैं कि मसीह में मरने वाले मरते नहीं बल्कि सो जाते हैं, तो खुदावंद का बंदा कहता है कि फिर हम ये कहते हैं कि वो सोते नहीं बल्कि हलाक होते, क्योंकि मसीह यसू भी मर गया और जिंदा ही नहीं हुआ। और छठी बात, मुकद्दस पौलुस कहते हैं कि अगर मसीह जिंदा नहीं हुआ तो फिर हम सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब हैं, क्योंकि हमारे साथ तो एक धोखा हो गया, धोखा अजीम हो गया कि हमें यह बताया गया कि मसीह जी उठा है, हालांकि वो जी नहीं उठा, हम तो बदनसीब ठहरे। जब हम मसीह यसू के जी उठने के वाकयात पर गौर करते हैं मुख्तलिफ अनाजील के तनाजुर में, तो हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ जो इसके लिखारी हैं, मुसन्नफीन हैं, जिन्होंने रूल कुदस की हदायत से इन अनाजील को तहरीर किया, और इसमें मुदर्ज मसीह यसू के मसलूबियत के वाकयात और उसके जी उठने के वाकयात, जब हम उन पर गौर करते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि हर मुसन्निफ जो रूह की हदायत से लिखता है वो उसमें इस बात को जरूर बताता है कि मसीह यसू जब जी उठे तो उसके जी उठने के बाद यहूदियों ने ये बात मशहूर कर दी उस वक्त में कि वो जिंदा नहीं हुआ, उसकी लाश तो उसके शागिर्द चुरा कर ले गए, उसकी लाश शागिर्द चुरा कर ले गए और वो जिंदा नहीं हुआ। उनमें से बहुत से लोगों ने यह मशहूर कर दिया कि जब यसु मसीह के सलीबी सफर में, जब मसीह यसु सलीब उठा कर जा रहे थे
तो एक शख्स शमौन करीनी जो है जब उसने सलीब उठाई तो उसका चेहरा बदल गया, यीशु मसीह वहां से खुदा ना खासा फरार हो गए उनका ये मानना है, और उस शख्स का चेहरा यीशु मसीह जैसा हो गया और वो शख्स जो है वो यीशु मसीह की जगह पर सलीब पर कुर्बान हो गया। अगर ये सब कुछ हुआ है तो फिर हमारी मुनादी ईमान बेफायदा है और हम झूठे गवाह हैं। हम इस बात पर यकीन रखते हैं, बड़ा खूबसूरत एक शेर है किसी शायर ने कहा है कि अगर वो खाक से होता यकीनन खाक हो जाता, वो खाक से था ही नहीं, उसकी मंजिल उसकी ये जगह खाक नहीं थी, ये खाक तो इंसान का मुकद्दर है, ये खाक तो खाकी इंसान की जगह है। खुदावंद यीशु मसीह आसमान से आए और आसमान में वापस चले गए। आज के इस वक्त में 6 मुसबत पहलुओं पर हम गौर करेंगे कि मसीह यीशु के मर जाने और जिंदा होने के वसीला से हमारी जिंदगी में हमें क्या हासिल होता है। खुदावंद के कलाम को जब हम पढ़ते हैं, खुदावंद के कलाम को जब हम देखते हैं, तो खुदावंद के पाक कलाम में 17वीं आयत जो अभी हवाला हमने पढ़ा है उसकी 17वीं आयत में लिखा है, अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है, और आयत के आखिरी से में लिखा है तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो। अगर मसीह नहीं जी उठा तो क्या है, हम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हैं। अगर मसीह जी नहीं उठा उसका मतलब ये है कि ये जो बपतिस्मा लेना, ये जो खुदा की मेज में आना है, ये सब बेफायदा है, क्योंकि अभी तक तो हमने गुनाहों से ही मखलसी नहीं पाई और हम दूसरी कौमों के लोगों की तरह हैं। पालूस खुदा का बंदा ये कहता है कि बिल फर्ज फर्ज किया जाए ऐसा है तो नहीं, अगर मसीह नहीं जूटा तो इसका मतलब यह है कि हम धोखे में हैं और अभी तक हम गुनाहों में गिरफ्तार हैं। क्यों गिरफ्तार हैं? क्योंकि मसीह यीशु हमारे गुनाहों के लिए मर गए, दफन हुए और क्या हुए, तीसरे दिन कब्र में से जी उठे, जिंदा हो गए। अगर यीशु मसीह जिंदा नहीं हुए तो फिर हमारे गुनाह भी माफ नहीं हुए। मसीह जो खुद हमारे लिए मर गया, वो इसलिए मर गया ताकि हमारे गुनाह हमारी जिंदगी में मर जाए, हमारे गुनाह हमारी जिंदगी में खत्म हो जाए। और खुदा उनके कलाम में पहला ग्रंथियों उसका 15वां बाब और उसकी 3री आयत जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है खुदा उनका मंदा मुकदस पालूस कहता है, पहला ग्रंथियों 15वां बाब 3री आयत, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंचती थी कि मसीह किताब मुकदस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, हमारे गुनाहों के लिए क्या हुआ, मुआ यानी मर गया। वो खुशखबरी जो हमारे पास है वो ये कि अब मसीह की मौत, उसके सलीब पर जान देने, उसकी मौत और उसके जी उठने के बायस अब मैं मसीही होते हुए गुनाह में नहीं हूं, मुझे गुनाह से छुटकारा मिल गया है, अब मुझे कुर्बानियों की जरूरत नहीं, अब मुझे बकरों बछड़ों और मेंढों को लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जरूरत उनको होती है जो गुनाह में होते हैं, मेरे तो गुनाह एक ही बर्रे के खून के वसीला से धुल गए और साफ हो गए, और वो खुदावंद यीशु मसीह है। दूसरी बात जिस पर हम गौर करेंगे, मुसबत पहलू मसीह यीशु के जी उठने का जो मुसबत पहलू है उस पर गौर करेंगे, वो ये कि हमारा ईमान बेफायदा नहीं है। हमारा ईमान क्या नहीं है, बेफायदा नहीं है। और जब हम ईमान की तारीफ और उसकी डेफिनेशन खुदा उनके कलाम में देखते हैं तो लिखा है कि ईमान अनदेखी चीजों का नाम है, अनसीन थिंग्स, वो चीजें जो हमने देखी नहीं, ईमान इसका नाम है। हमने ईमान रखा, हमने इस बात को माना कि यीशु मसीह मर गए और जिंदा हो गए और वो बाप के दाहिनी तरफ बैठकर मेरे लिए, ईमानदारों के लिए, हम सबों के लिए शिफात कर रहे हैं। अगर हमारा ये ईमान है और यीशु मसीह बिलफर्ज जी नहीं उठे तो फिर खुदा उनका बंदा कहता है कि हमारा ईमान बेफायदा है। मसीह यीशु ने बड़ी अच्छी बात अपने जी उठने के बाद कही, तोमा जो खुदा यीशु मसीह का शागिर्द था और पेशे के लिहाज से वो एक तबीब था, जब हम उसकी जिंदगी पर गौर करते हैं तो मसीह यीशु जब अपने शागिर्दों पर अपने जी उठने के बाद पहली मर्तबा जाहिर हुए और शागिर्दों ने बताया कि यीशु मसीह जिंदा हो गए हैं,
तो उसने कहा मैं नहीं मानता जब तक मैं उसके जख्मों में हाथों में अपनी उंगली डालकर ना देखूं तब तक मुझे यकीन नहीं आएगा। तो यीशु मसीह जब दोबारा अपने शागिर्दों पर जाहिर हुए, तू मां भी उनके बीच में, तो मां भी उनके दरमियान में मौजूद था, तो यीशु मसीह ने अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाए और कहा कि आ इन हाथों को देख, अपनी उंगली डाल। वो आया और उसने यीशु मसीह के हाथों को देखा और यीशु मसीह ने वहां पर यह कहा, तू तो देख कर ईमान लाया, तेरा ईमान देख कर लाने वाला ईमान है, मुबारक वो हैं जो बगैर देखे ईमान लाए, और मैं और आप मुबारक हैं इस बात के लिए कि हमारा ईमान बेफायदा नहीं, क्योंकि मसीह यीशु दुनिया के मजहब आलम के जो जितने भी बड़े लीडर्स हैं उनके लीडर्स की तरह कब्र में नहीं, बल्कि आज भी उसकी कब्र दुनिया को बता रही है, और वहां पर यह लिखा है कि वो यहां पर नहीं बल्कि अपने कहने के मुताबिक क्या हो गया है, जी उठा है। खुदावंद यीशु मसीह अपने कहने के मुताबिक जी उठे हैं, जिंदा हो गए हैं, हमारा ईमान बेफायदा नहीं है। मुकद्दस पौलुस रसूल का गलतियों की कलीसिया के नाम का खत और उसका दूसरा बाब और उसकी 20वीं आयत, खुदावंद के कलाम में जब हम पढ़ते हैं गलतियों दूसरा बाब और उसकी 20वीं आयत, खुदावंद के कलाम में जब हम इस आयत को देखते हैं तो ये आयत ईमान के बारे में वाज़े बयान करती है। मुकद्दस पौलुस गलतियों की कलीसिया के नाम लिखे गए खत में उसके दूसरे बाब की 20वीं आयत में ये कहते हैं, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं। वह इस कदर ज्यादा कॉन्फिडेंट है, इस कदर ज्यादा उसका ईमान है कि वह कहता है मैं खुद मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं। उसका ईमान यह नहीं कि मसीह यीशु मसलूब हुए थे या मसीह यीशु को मसलूब किया गया था, मैं वहां पर नहीं था, बल्कि खुदावंद का यह बंदा कहता है कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। बल्कि वो क्या कहता है, मसीह मुझ में क्या है, जिंदा है। और वो कहता है कि मैं जो अब जिस समय जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। वो खुदावंद का बंदा इस कदर ज्यादा ईमान में मजबूत है कि वो ये कहता है कि मेरा ईमान इस कदर ज्यादा है कि मैं ये कहता हूं कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ, मेरी इंसानियत, मेरे काम, मेरी जिंदगी, सब कुछ जब मसीह मसलूब हुआ तो वो सब कुछ उसके साथ मसलूब हो गए। तीसरी बात जिस पर हम गौर करेंगे कि बिलफर्ज अगर मसीह यीशु जी नहीं उठे, बिलफर्ज अगर मसीह यीशु जी नहीं उठे तो रसूल जो मुनादी उस वक्त कर रहे थे और पादरी सबान जो आज मुख्तलिफ ज़राए और वसाइल को इस्तेमाल करके रुपया और पैसा खर्च करके जगहों पर पहुंच के टेलीविजन के वसीला से, फेसबुक के वसीला से, रेडियो के वसीला से कलाम सुनाते हैं, अगर वो कलाम सुना रहे हैं तो फिर उनकी मुनादी दुरुस्त नहीं है। पहला करिन्थियों 15वां बाब उसकी 15वीं आयत जो भी हमने पढ़ी, मैं चाहूंगा कि फिर हम इसको देखें। कलाम में लिखा है बल्कि हम खुदा के झूठे गवाह ठहरे क्योंकि हमने खुदा की बाबत यह गवाही दी कि उसने मसीह को जला दिया हालांकि नहीं जलाया, अगर बिलफर्ज मुर्दे जी नहीं उठते। अगर हम ये कहें कि यीशु मसीह जिंदा नहीं हुए तो फिर हमारा मुनादियां करना, फिर कलाम सुनाना, गिरजे बनाना, गिरजों में लोगों का आ जाना और गिरजा घरों का भर जाना, ये मुनादी करना, ये थियोलॉजी के बड़े बड़े लेक्चर देना, अगर यीशु मसीह जी नहीं उठे और मुर्दे नहीं जी उठते तो फिर ये सब कुछ बेफायदा है। हमें ये मालूम होना चाहिए और हम मसीह इस बात के लिए खुश हैं कि वाकई मसीह यीशु जी उठे हैं और हम ये जानते हैं कि वही बाप तक पहुंचने का सीधा रास्ता है। मसीह यीशु ने कहा, यूहन्ना की इंजील उसके 14वें बाब की 6वीं आयत में लिखा है, राहक और जिंदगी मैं हूं। सब बोले राहक और जिंदगी कौन है, मैं हूं। मसीह यीशु ने कहा कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। अगर मसीह यीशु जिंदा नहीं हुए तो फिर मुनादी करना, एवेंजलिज्म करना, चर्चेज में पैगाम देना, खादमों को रोक देना चाहिए।
हो नहीं सकता कि ऐसा हो जाए, क्योंकि मसीह यसू फिल वाके मुर्दों में से जी उठे हैं और जो सो गए उनमें से पहला फल हुआ। चौथी और पांचवी आयत, चौथी और पांचवी बात जिस पर हम गौर करेंगे, इसका जिक्र और इसका तस्करा हमें 19वीं आयत में मिलता है, और वो ये कि अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब हैं। आदमियों से ज्यादा क्या है? बहुत से लोगों की उम्मीदें इसी दुनिया में खुदा के साथ हैं, रोज की रोटी मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, दुनिया में रहते हुए सब कुछ मिल जाए, आगे का फिक्र नहीं। अजी खुदा रोटी पूरी करी जान दे, पंजाबी च असीं कहने हैं खुदा रोटी पूरी करी जान दे, और की लेना खुदा को। और मेरे जीजो खुदा उससे भी बढ़कर आपको देना चाहता है, ना सिर्फ इस दुनिया की बातें बल्कि वो आसमान की बरकतें आपको देना चाहता है। और कलाम में लिखा है कि जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो हम अपना माल इस दुनिया पे जमा ना करें, हम दुनिया की फिक्र तरद्दुद में ना रहें, बल्कि हमारी नजरें उस निशान की तरफ होनी चाहिए जिसके लिए मुकद्दस पौलुस ने भी कहा कि मैं उस निशान की जानिब दौड़ा चला जाता हूं। हम बदनसीब नहीं है कि इधर सब कुछ मिल जाए यीशु के नाम से, लेकिन जब बादशाह आए तो हमारा हिस्सा ही ना उस बादशाह में। जो जिंदगी की किताब है, किताब हयात जो है, उसमें हमारा नाम ही ना हो। और किसका नाम नहीं होगा जो मसीह के स्लीपर जान देने, उसके मरने और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने पर यकीन नहीं रखता। क्रिसमस बड़े शौक से मनाते हैं, गैर मसीह भी, वो केक बांटते हैं, वो सब कुछ करते हैं, लेकिन जब बारी आती है ईद के आमते मसीह की, मसीह के मुर्दों में से जी उठने की, तो फिर वो नहीं मनाते, वो उसको मानते नहीं, और ऐसे लोग बदनसीब हैं। और मुकद्दस पौलुस भी, खुदा उनका बंदा, कहता है कि अगर हम इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो हम सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब हैं। और इसी बाब में पहला करंथियों उसका 15वां बाब और उसकी 58वीं आयत, खुदा उनके कलाम में लिखा है, बस ऐ मेरे भाइयों, साबित कदम और कायम रहो और खुदावन के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावन में बेफायदा नहीं। मेहनत करते रहें, करते रहें मेहनत, जिंदगियों को बचाने के लिए मेहनत करते रहें, और ये ना सोचें कि मेरी मेहनत बेफायदा जा रही है। ऐसा हो नहीं सकता कि हम खुदावन के लिए कुछ करें और खुदावन उसका अजर ना दे। हम आदमियों से ज्यादा बदनसीब नहीं, बल्कि हम खुश नसीब हैं। इस जिंदगी में रहते हुए भी खुदावन की बरकतों का वादा हमारे साथ है, और उसके साथ साथ हमेशा की जिंदगी का वादा भी खुदावन यीशु मसीह ने हमारे साथ किया है। छठी बात और आखिरी बात जिस पर हम गौर करेंगे, इस सवाल पहला करंथियों उसका 15वां बाब और उसकी 12वीं से 20वीं आयात के तनाजुर में छठी और आखिरी बात और पहलू जिस पर हम गौर करेंगे कि जो मसीह में सो गए हैं, अगर मसीह जी नहीं उठे, जो मसीह में सो गए हैं वो सोए नहीं बल्कि हलाक हुए हैं। मसीह यसू का ये कहना है अंजील मुकद्दस में, मुकद्दस यूहन्ना की अंजील में हम पढ़ते हैं कि जो कोई मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी वो जिंदा रहेगा। और मुकद्दस पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया में को लिखे गए खत में ये बयान करते हैं कि जो मसीह में मरते हैं वो मरते नहीं बल्कि क्या होते हैं? सो जाते हैं। अगर मसीह यीशु जी नहीं उठे तो फिर हम उनको सोने वाले नहीं कहेंगे, क्योंकि वो हमेशा की नींद सो गए हैं। लेकिन हमारा ये ईमान है कि वो सो रहे हैं, और क्यों कहते हैं सो रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने एक दिन आना है और उन्हें जिंदा करना है। जब किसी ईमानदार को दफन किया जाता है तो खुदा के खादम उसे जब खाक के हवाला करते हैं तो ये दुआ करते हैं कि हम तुझे खाक को खाक के हवाला करते हैं इस उम्मीद के साथ कि एक दिन जब हमारा यीशु हमारा निजात दिंदा जलाल में आएगा तो वो तुझे और तुझ समेत तमाम मुर्दों को जो मसीह में सो गए उन्हें जिंदा कर देगा। मेरे जीजो, मसीही ईमान
की ये बुनियादी इकाई है। मसीह ईमान इसी बात पर कायम है कि मसीह यसु ना सिर्फ सलीब पर मर गए, ना सिर्फ दफन हुए, बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि वो जिंदा हो गए। दुनिया में बड़े बड़े दावे करने वाले आए, दुनिया में बड़ी बड़ी बातें करने वाले आए, लेकिन यसु मसीह के तरह कोई भी जिंदा नहीं हुआ। बहुत से लोगों ने अपने मजहबी रहनुमाओं को बाहर निकाला चंद दिनों के बाद कब्रों से। बाद में आप मुझसे पूछ सकते हैं कि वो कौन थे। अपने मजहबी रहनुमाओं को जो मर गए थे चंद दिन के बाद कब्रों से बाहर निकाला और कोशिश की कि वो देखें कि वो जिंदा तो नहीं हो गया, उसकी रूह वापस तो नहीं आ गई, और उसमें से जब बदबू आ रही थी तो उन्हें उसे कब्र में डाला नहीं बल्कि फेंकना पड़ा। मेरे और आपके निजात दिंदा मसीह यसू के लिए औरतें जब कब्र पर गईं, कलाम में लिखा है वो खुशबूदार चीज़ें लेकर गई कि लाश पर लगाएंगी, और परेशान है कि हमारे लिए कब्र के मुंह पर से पत्थर को कौन लुढ़काएगा। लेकिन खुदावंद यसु मसीह वहां पर मुर्दगी की हालत में नहीं थे। आज तक सारे मजहबी लीडरों की, आज तक सारे मजहब के जो बड़े रहनुमा हैं, उनके मजार, उनकी कब्रें और उनकी ज्यारतगाहें हैं, लेकिन मेरे और आपके निजात दहिंदा मसीह यसु की कब्र खाली है। और आज भी वो चीख चीख कर कह रही है कि वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ था लेकिन अब वो यहाँ नहीं, बल्कि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। और कलाम में लिखा है कि जिस तरह मसीह मर गया, दफन हुआ और जिंदा हो गया, इसी तरह वो जो उस पर ईमान लाते हैं वो भी जिंदा किए जाएंगे। मसीही ईमान की बुनियादी इकाई मसीह यसु का मुर्दों में से जी उठना है। रेजुरेक्शन, कयामत, मुर्दों की कयामत, लफ्ज़ कयामत बड़ा बुरा लगता है, बहुत से मजहब कयामत को बड़ा हौलनाक बयान करते हैं, लेकिन मसीहों के लिए कयामत ही है कि मुर्दे जो मरे हुए हैं वो जिंदा हो जाएंगे। कयामत लफ्ज़ रेजुरेक्शन जो है इसका मतलब है मुर्दों का जिंदा होना, और रेजुरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट मसीह यसु का मुर्दों में से जिंदा होना। इससे पहले भी बड़े मुर्दे जिंदा हुए लेकिन उनको जिंदा करने वाले इंसान थे। किसी नबी की हड्डी उनके साथ लगी, किसी रसूल ने दुआ की, यसु मसीह ने खुद लाजर को, एक नौजवान लड़की को और एक नाइन शहर की बवा के बेटा जो है उसको जिंदा किया, लेकिन यसु मसीह खुद जिंदा हुए। यसु मसीह को जिंदा करने के लिए किसी ताकत की जरूरत नहीं, यसु मसीह को जिंदा करने के लिए उसके शागिर्दों को उसके जख्मों पर किसी मरहम को लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद मौत और कब्र पर फाते है। कयामत मसीह की छह सच्चाइयां हमने उन पर गौर किया, और वो ये हैं कि मसीह यसु के जिंदा होने से हमारे गुनाह माफ हुए। दूसरी बात, मसीह यसु के जिंदा होने से हमारा ईमान अधूरा और बेफायदा नहीं। तीसरी बात, जो कलाम हम सुनाते और सुनते हैं, मुनादी जो की जाती है, सरमन जो दिए जाते हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त है। और इसके बाद चौथी और पांचवी आयत कि हम, चौथी और पांचवी बात कि हम बदनसीब नहीं हैं। और छठी बात, चूंकि मसीह यसु जिंदा हुए, हम भी मर जाएंगे और एक दिन जिंदा होंगे, हम आदमियों की तरह बदनसीब नहीं, और हम सोते हैं, मरते नहीं, हलाक नहीं होते। बड़ा अच्छा लगता है जब कभी कब्रिस्तान में जाएं, कब्रों के कतबों पर लिखा होता है तारीख वफात की बजाय तारीख इंतकाल लिखा होता है। लफ्ज़ इंतकाल का मतलब है मुंतकली, मुंतकिल होना। तो हम ये ईमान रखते हैं कि जिस तरह मसीह यसु जिंदा होने के बाद आसमान पर अपने बाप के पास दाहिनी तरफ जाकर बैठ गए ताकि जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करें, इसी तरह जो ईमानदार इस दुनिया से जाता है वो इस दुनिया से जाता है। दुनिया कहती है वो मर गया, कोई कहता है वो हलाक हो गया, लेकिन हमारा ये ईमान है कि जो मसीह में मरता नहीं बल्कि क्या होता है, सो जाता है। हमारा ईमान इस बात पर है कि मसीह यसु जिंदा है और आज भी वो बाप के दाहिनी तरफ बैठा है। दुनिया के मजहब के लीडर्स ये कहते हैं हमारे लिए दुआएं करें, हमारे लिए खुदा से कहें, हमें वो जगह वो मकाम मिले, लेकिन यसु कहता है कि मैं जाता हूं ताकि जाकर क्या करूं तुम्हारे लिए, क्योंकि वो जिंदा है। जिंदा के लिए काम करना आसान है, मुर्दा के लिए काम करना मुश्किल है। हम जिंदा खुदा के मानने वाले हैं। मेरी ये दुआ है कि खुदावंद हम सबों को इस कलाम के वसीला से बरकत दे और ये तौफीक बख्शे कि हम जिंदा खुदा पर ईमान रखने वाले और अपनी जिंदगी में ही नहीं बल्कि जिंदगी के बाद
आइंदा वक्त के लिए भी उस पर ईमान रखे और उसके साथ चलने वाले हों। खुदावंद इस कलाम की वसीला से हमें बरकत बख्शे, आमीन। आइए हम अपने सर अपने खुदावंद के हुजूर में झुकाएं और दुआ करें। इख्तितामी दुआ होगी और उसके बाद हम सब खुदावंद के घर से रुखसत होंगे। मेरी दरख्वास्त होगी कि हम सब चंद लम्हात खामोशी और संजीदगी में खुदावंद अपने खुदा के हुजूर में आएं और उसे दुआ करें। जमीन व आसमान के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं कि ऐ खुदावंद आज तूने हमें ये मौका दे दिया कि बाप हम तेरी हजूरी में आए, और शुक्रगुजार हैं कि ऐ खुदावंद ये तेरा फजल हम पर हमारे खानदानों पर हुआ कि बाप हम इन नामसाए दलात में भी तेरा नाम ले सकें और तेरी हमद और तेरी सिताइश कर सकें। तमाम हाजिर जिंदगियों के लिए जो है खुदावंद तेरे घर में है, और वो सारी कलीसिया जो अपने घरों में है, और ऐ बाप इसी बात पे हमारे साथ शरीक रही, ऐ खुदावंद उनके लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और मिन्नत करते हैं कि ऐ खुदावंद तो अपने लोगों को अपनी पनाह में रखना। ईद की आमद मसीह जो इस साल मनाई गई, ऐ खुदावंद हम जानते हैं कि इसमें हमें दुख भी है कि ऐ खुदावंद तेरे घर में तेरे ईमानदार लोग नहीं, लेकिन ऐ खुदावंद हम ये भी जानते हैं कि तू जिससे प्यार करता है तो उसकी कांट छांट भी करता है, इसलिए ताकि वो और फल लाए। अरे बाप तूने ऐसा इसलिए होने दिया ताकि वो जो तुझसे दूर हैं वो इस वक्त में तेरे करीब आए। मिन्नत करता हूँ ऐ खुदावंद अपने लोगों को अपने पास आने की तौफीक बख्शना। तेरा नाम तेरा जलाल तमाम जिंदगियों से जाहिर हो, हमारे साथ होना, हमारी मदद करना। और ऐ खुदावंद दुआ करता हूँ पूरी दुनिया में जहाँ पर तेरी इबादत परस्तिश हो रही है और जहाँ पर होने वाली है, ऐ बाप उन तमाम जगहों को अपनी पनाह में रखना। ऐ बाप हर तरह के अबलीस के हमलों से और चालों से बचाना, और अब जब ऐ बाप इस इबादत के बाद लोग ऐ खुदावंद तेरे घर में आते हैं थोड़े थोड़े अफराद, तो ऐ बाप उनके साथ होना और उनकी मदद करना। और ऐ बाप जब तक हम तेरे घर में रहें कोई भी ऐसी बात ना होने पाए जिससे ऐ खुदावंद तेरे खादम को, इस कलीसिया को, अरे खुदावंद इस जगह को परेशानी उठानी पड़े। दुआ करता हूँ कि ऐ खुदावंद सारे इंतजाम सारा माहौल तेरी हाथ में हो। ऐ बाप हमारे साथ हो, बड़ी मदद कर। इन बच्चों के लिए शुक्रगुजार हूँ जिन्हें तेरी प्रस्तिश की, साउंड सिस्टम चलाने वालों के लिए और ऐ खुदावंद लाइव इस सर्विस को करने के लिए, इन खिदमत गुजार जिंदगियों के लिए जो ऐ खुदावंद साथ साथ इसको ऑब्जर्व कर रहे थे, ऐ बाप तूने बरकत देना। एल्डर समान के लिए जिनने दुआएं की, ऐ बाप इनकी दुआओं को सुना और इनके खानदानों को बरकत देना। हमारे साथ होना, हिफाजत करना। आइंदा ऐ खुदावंद दुआ करते हैं कि तेरा ये घर बहुत जल्द तेरे लोगों के लिए खुल जाए, और ना सिर्फ ये बल्कि पूरी दुनिया में तेरे घर खुल जाएं, और ऐ बाप जो तुझसे दूर है वो तेरे करीब आए, अपने गुनाहों से माफ़ी करें, माफ़ी मांगें, उन्हें तरक करें और तेरे अच्छे फजल बन के तेरे साथ अपनी ज़िंदगी को बसर करें। शुक्रगुजार एक दफ़ा फिर सारी सी इबादत के लिए, पैगाम के लिए जो दिया गया, ऐ बाप ये पैगाम सुनने वाली तमाम जिंदगियों के लिए बाबरकत हो। मसीह हमारे खुदा उनके नाम से मांगते और हमेशा पा लेते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी ऐसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, खुदा रूह कुदस की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ, बिलखसूस ऐ मेहरबान बाप हज़रत तमाम जिंदगियों के साथ, तेरे बंदों के साथ जो है खुदावंद तेरे घर में थे, खानदानों के साथ, घरानों के साथ जो है खुदावंद हमारे साथ फेसबुक लाइव इस इबादत पर मौजूद थे, उन सबों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होता रहे, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। इबादत के अख्तिताम पर मैं चाहूँगा कि हम जोरदार नारा मसीह के नाम को जलाल देने के लिए लगाएं। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन।